हसन और हुसैन जो है वो पाकिस्तान आ नहीं सकते, उनको अपनी माँ को लहर में नहीं उतार सकते, क्या जज्बात है, क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत पाकिस्तान से? इंसाफ का, जो हमारे साथ ही हो रहा है उसमें इंसाफ करें। और बहुत हद तक तो ये चीज़ डिक्लेयर हो गई है कि जो लोग ढोंग समझ रहे थे कि अल्लाह ना करे सियासत के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ है, असलियत सामने आ गई कि वो वेंटिलेटर पे थी और किस अलमई से हम लोग गुजर रहे थे ये अल्लाह जानता है या हम लोग जानते हैं, सच्चाई सामने आती है। ठीक है, अच्छा आखिरी मुलाकात आपकी बीमारी के दौरान हुई थी? जी, वो होश में नहीं थी, इंग्लैंड में हुई थी, वो होश में नहीं थी और फॉर द टाइम बीइंग जो देखने के लिए गए थे और दुआ को जैसे बाकी फैमिली मेम्बर थे उसी तरीके से। अच्छा, बहुत सी तनकीदें हुई कि ये ऐसी ड्रामेबाजी कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि अल्लाह पाक बस उनको हिदायत दे, क्योंकि अभी डिक्लेयर हो गया है उनके इंतकाल पे और हर चीज़ की सच्चाई तो सच्चाई है और बाकी चीज़ें भी डिक्लेयर हो जाएंगी जो हमारे साथ हो रहा है या कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, कुलसुम नवाज साहिबा की सियासत के हवाले से बहुत काम है, जबकि वो घरेलू थी लेकिन फिर वो अचानक सियासत में भी आई, तो उनको किस तरीके से आप खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो खातून अव्वल थी ही हैं और रहेंगी, मेरा इससे ज़्यादा कोई नहीं। वो हमारे घर की भी बड़ी थी दादी के बाद, मेरी दादी के बाद, वो खुद बहुत शौक में है और हमेशा रही है।